Hi guys, it's Shubhangi. Welcome to my channel. So today, I don't know मैं कितने टाइम बाद आप लोग की बात सुन के ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग आई थिंक जब ये चैनल शुरू हुआ था आप तब से इस वीडियो को चाहते थे, जार पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो को चाहते थे. सो आई थॉट आज हो ही जाए. सो यस, आई एम वे टू एक्साइटेड. ऑफकोर्स मेरे घर में काफी सारे जार पड़े हुए थे. इनफैक्ट मैं काफी कलेक्ट भी कर रही थी क्योंकि मुझे पसंद है ना ऐसी कबाड़ों वाली चीजें इकट्ठी करना, उसका कुछ बनाना, उस पर कुछ बनाना. सो है ये सारा सामान मेरे घर पे. आई एम श्योर आप लोग के घर पे भी होगा. नहीं है तो यार जैम के डब्बे व्हाटएवर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे जार ही तो होते हैं ना अल्टीमेटली, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो. आई थिंक मामा यूट्यूब चैनल के बाद मैं करने लगी हूँ ना कलेक्ट ये सारी चीजें. तो अब मैं थोड़ा और ज्यादा कॉशियस हो गई हूँ कि ओ माई गॉड ये मेरे को नेक्स्ट वीडियो में हेल्प कर सकता है. सो Anyway guys, moving on, अब start करते हैं video को because I'm way too excited and of course Toto इस तरफ है and as I said right अपनी last video पे भी कि ये mini painting, canvas painting side में रहेगी, ये Toto को cover नहीं करेगी. So Toto मैंने अपना promise रखा. Okay. Thank you. It's okay. Anyway guys, so today I have this jar, Hershey's spread chocolate jar. Yum. And with that, मेरे पास एक और जार भी पड़ा हुआ था, पता नहीं कभी मैंने कुछ जोमैटो से मंगाया होगा. But अब धर्म संकट ये कि दोनों में से चूज कौन सा किया जाए. So I am thinking of going forward with the बड़ा वाला जार because I think उसमें ज्यादा चीजें हो पाएंगी and the shape is a bit different. सही डिसीजन है ना. Anyway guys, now I'm gonna quickly start opening my Fevicryl molded clay and मैं इसी की हेल्प से कुछ 3D elements भी बनाऊंगी क्योंकि काफी टाइम हो चुका है यार, ऐसा लग रहा है क्ले को छुआ ही नहीं है. सो क्ले के दोनों एलिमेंट्स को अच्छे से मिक्स करके वो कुछ ऐसा दिखेगा. अब जल्दी से छोटे छोटे प्यारे प्यारे एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगी बट उससे पहले मैं बनाऊंगी एक बेस बिकॉज बेस होना हर चीज के लिए जरूरी है यार. मतलब क्ले को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करने के बाद मैं यूज करी यहाँ पे पानी मतलब वॉटर जिससे कि ये स्मूथ हो जाए सर्फेस. एंड वंस दैट इज डन मेरे नन्हे मुन्ने एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे यार अब. एंड इनकेस इफ यू आर वंडरिंग कि यहाँ पे बन क्या रहा है, सो यार यहाँ पे बन रहे हैं डेजर्ट बिकॉज आई लाइक डोनट्स, आई लाइक पेस्ट्रीज एंड आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी नो इट. सो ऑफकोर्स मैं इसके टॉप को इन्हीं सारी चीजों से भर दूंगी. तो एक्साइटेड है आप? एंड सीरियसली बता रही हूँ मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जार के ढक्कन में इतना ज्यादा क्राफ्ट करूंगी, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करूंगी. सो आई थिंक सच में यार मतलब हम ना अपनी लाइफ में टाइम नहीं निकाल पाते ऐसी क्रिएटिव चीजों के लिए. सच में मतलब मैं तो यूट्यूब के चक्कर में ये चीजें कर लेती हूँ बट मुझे स्टार्टिंग से ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद था. बट अगेन लाइफ की प्रायोरिटीज ही कुछ और होती थी तो मैं ये कर ही नहीं पाती थी. सो अल्टीमेटली मैं बोलूंगी थैंक यू टू यू गाइस बिकॉज आप लोगों की वजह से ही तो मैं ये सब कर पा रही हूँ यार. By the way, यहाँ पे मैं बहुत रैंडम चीजें बना रही हूँ जैसे कि डोनट्स, पेस्ट्री, कैंडीज एंड लॉलीपॉप बिकॉज बचपन से ही ये चीजें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है. एंड एक कैच बताऊं, मुझे हमेशा से लॉलीपॉप ज्यादा टेस्टी लगी है एक नॉर्मल रेगुलर टॉफी से. कैन यू बिलीव दिस, आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके का कोई रैंडम कोलाज बना रही हूँ ऑफ 3D स्टफ विच इज जस्ट सो एक्साइटिंग. By the way, क्ले ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, काफी शानदार राइट. By the way, अब मैंने जैसो अप्लाई करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पे मैं 2-3 लेयर्स ऑफ जैसो लगाऊंगी एंड देन वी आर गुड टू गो. उसके बाद मैं फाइनल पेंटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी. एंड इफ यू गाइस नो मी यू नो हाउ मच आई लव पेंटिंग. मतलब मैं ना जैसे ही स्टार्ट करती हूँ, जैसे ही मेरा बनाना एलिमेंट्स को खत्म होता है उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है पेंटिंग करने की बिकॉज पेंटिंग से तो जान आती है यार किसी भी चीज में. By the way, अब मैं पेंट करने जा रही हूँ चॉकलेट. सो यार इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही यम्मी यम्मी स्टफ हो रहा है. सो मैंने सोचा है क्यों ना इस वीडियो के लिए एक गाना डेडिकेट हो जाए व्हिच इज या यू गॉट द यम्मी 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 यम्मी. आई एम श्योर आप लोग भी मेरी तरह सुपर एक्साइटेड हो गए इसका फाइनल आउटकम देखने के लिए. बट यार फाइनल आउटकम से ज्यादा यार प्रोसेस मैटर करता है क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू हम इतना कुछ सीखते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं.
एनीवे गाइस, एक्रेलिक पेंट्स को यूज करने के बाद दिस इज व्हाट द बीच का प्रोसेस लुक्स लाइक। अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं डिटेल्स के बिना इसे जाने नहीं दूंगी, बट ये दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है कि यार मन कर रहा है चाट जाऊं इस ढक्कन को, लिटरल सेंस में, बट ये ढक्कन लग नहीं रहा है, सॉरी। फाइनली गाइस, सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद दिस इज व्हाट माय ढक्कन लुक्स लाइक एंड दिस इज लुकिंग सो डैम क्यूट, बट ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमें थोड़ी सी डिटेल्स जार में भी ऐड करनी है, क्योंकि तो क्या हुआ अगर ये कांच का है तो मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। डिटेल्स ऐड करूंगी, सबसे पहले जेसो का एक कोट अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद एक्रेलिक पेंट्स ऐड करूंगी। मैं पूरे ग्लास को कवर नहीं करूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ जो भी मैं इसके अंदर रखू वो दिखे यार, ट्रांसपेरेंट रहे वो। मैं बस थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करूंगी। द प्रोसेस इज डैम इजी, बट एनीवे दिस इज लुकिंग सो क्यूट यार, ये लग ही नहीं रहा कि ये हाथ से बना हुआ है। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लिसन, बट जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि मैंने खरीदा हुआ है। मैं ऐड करूंगी वार्निश को जिससे कि ये इंटैक्ट रहे, कलर्स निकले ना, चिप ऑफ ना हो, एंड आई एम इन लव गाइस। आई स्वेयर मैंने स्टार्टिंग में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ ऐसा लगेगा। सो फार आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट क्ले रिलेटेड आर्ट वर्क्स। क्या लगता है आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर आपको मेरा प्रोसेस सिंपल एंड ईजी लग रहा है तो प्लीज यार लाइक ठोक दिया करो, कॉमेंट भी कर दिया करो। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट द फाइनल पीस लुक्स लाइक एंड दिस इज लुकिंग रियली 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 प्रिटी। एंड मामा आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर है ना। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम कैंडीज रख सकते हैं, अपनी एक्सेसरीज भी रख सकती हूँ जो क्यूट क्यूट सी हो। सो आपको दिखाई देते हैं ना मैं इनको, वो कहा है, चॉकलेट, कुछ कॉफीज, ईयरिंग। वाओ, एंड ये वाली मेरी ओ गॉड फेवरेट है। मुझे पर्सनली कैंडीज वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम था मेरी लाइफ का जब मुझे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं पसंद थी, बट ऑफ कोर्स ये पसंद है। अब आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है इस वीडियो में। So this is technically my candy box now. रुक दो यार, खा लेती हूँ पहले। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मुझे पेस्टल कलर से कितना ज्यादा प्यार है। कॉस्ट में से डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज करूंगी यार, मैं ऐसी चीजों को यूज नहीं कर सकती, मतलब यूज बिकॉज पता नहीं यार, मुझे अपनी बनाई हुई चीजों से बड़ा प्यार होता है। इनफैक्ट मुझे पता होता है ओके इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज पार्ट ऑफ माई जर्नी, तो मैं ना किसी भी चीज को साइडलाइन नहीं कर सकती, फेंक नहीं सकती एंड उड़ा नहीं सकती। सो यस, ऑफ कोर्स ये हमारा एक और डेकोरेशन पीस बन चुका है। आई थिंक ये पूरा स्पेस भर के पता नहीं क्या हो जाएगा, एंड वीडियो कि मैं एकदम बाहर चली जाऊंगी किसी दिन, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउडेड होता जा रहा है अभी ये, मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूं। धीरे 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 ये टेबल पूरा यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ पे सारे 8 पीसेस हो जाएंगे एंड मैं एकदम कहीं कोने में कहाँ पड़ी हुई होंगी और यहाँ से बोलूंगी हाय गाइस। सो पता नहीं यार, प्लीज मेरे लिए प्रे करो मुझे एक नया स्टूडियो मिल जाए, मम्मा डैडी कुछ कर लो यार मेरे लिए। Anyway guys, jokes apart, this was it for today's video. Do let me know in the comment section below, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, and of course, आप लोग के मैं सारे comments read करती हूँ, try भी करती हूँ उनको reply करने का, so thank you so much, this really 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 means a lot to me, not only me, even my parents as well, so I love you guys, and mama आप भी बोल दो, I love you too, अरे लोगों को बोलो ना, I love you guys.